हाय फ्रेंड्स, देखिए आज ये हम लोग प्लाजो बनाएंगे जो काफ़ी ट्रेंड में है और इसको घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और पहनने में भी कंफर्टेबल है क्योंकि देखिए इसका वेस्ट पे इलास्टिक लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए फोल्ड करके 2.25 मीटर कपड़ा हम ऐसे बिछाए हुए हैं। इसको 1/2 इंच किनारे से इसका मार्क लगा देना है। इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये खिंचाव लाता है कपड़ा में, तो इसको हटा ही देना है। पर इस पर मार्क लगा के 1/2 इंच पे पूरा। अब देखिए ऊपर की साइड से जो आड़ा तिरछा कपड़ा रहता है उसके लिए इसको एक सीधा लाइन इस पर खींच लेना है। अब हमको बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर से छोड़ना है, देखिए, क्योंकि 1 इंच का इलास्टिक है। अब क्रॉच लेंथ 11 पे निशान लगाना है और टोटल लेंथ 37 है, इसलिए 37 पे मार्क करना है। 11 इंच क्रॉच लेंथ, इस सब लाइन को सीधा कर देना है। इस स्केल के हेल्प से आप इसको स्ट्रेट कर दीजिए सब लाइन को। अब देखिए अब हिप का 4th पार्ट + 1 यानी 11 होगा। हिप मेरा 40 है तो 11 इंच पे मार्क करना है। अब इस लाइन को क्रॉच वाला लाइन से जोड़ देना है। ये देखिए 13 इंच है मेरा क्रॉच, तो ये इसको गोलाई दे देना है इस तरह से। अब ये जो क्रॉच वाला है वो 13 इंच उसका 1/2 कर लेना है। इसको बीचों बीच इसका मिडिल पॉइंट निकालना है और यहाँ से एक मार्क लगाना है, यहाँ से नीचे वाला बॉटम पर भी। और इस लाइन को मिला देना है। अब मेरा बॉटम है 13 इंच तो उसका 1/4 हो जाएगा, 3.25, देखिए 3.25 हो जाएगा। तो ये 3.25 दोनों साइड, इस लाइन के दोनों साइड बॉटम इसका बनाएंगे। इस तरह करने से वो बॉटम घूमता नहीं है। देखते होंगे कभी प्लाजो पैंट इधर उधर हो जाता है, तो ये सीधा निशान इस तरह से देने से बीच में मिडिल पॉइंट, ये प्लाजो एकदम स्ट्रेट रहता है, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये हिप स्केल से सब लाइन को मिला देना है और ऊपर में देखिए थोड़ा शेप दे देना है इस तरह से। अब 1 इंच आगे में डाउन करना है। ये बहुत ही स्पेशल ट्रिक है फ्रेंड्स, इससे प्लाजो बहुत ही अच्छा फिटिंग में आता है। अब इसका कटिंग कर लेना है। ये देखिए पूरी तरह से ड्रॉ हो गया है, इसको कटिंग कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट का कटिंग हो रहा है। अब ये बाकी बैक पार्ट के लिए फिर इस तरह से कपड़ा बिछा लिए हैं और फिर इसका 1/2 इंच जो है वो किनारे से निकाल देना है। उसके लिए इसको सीधा स्केल से लाइन खींच लेना है। अब देखिए अभी ये आगे वाला पार्ट है, इसको बढ़िया से बिठा के रखना है इस पर और ऐसे रखना है कि ऊपर की ओर कमर की ओर 3 इंच कपड़ा, करीब 3 इंच ऊपर रहना चाहिए कपड़ा। देखिए ये 3 इंच तक कपड़ा रहना चाहिए। अब देखिए अब ये 2 इंच है मेरा क्रॉच एक्सटेंशन,
तो ये 2 इंच ही इसको बढ़ाएंगे यहाँ, और इधर भी 2 इंच ऊपर की ओर बढ़ाना है। अब इसको देखिए, इसको ऊपर की ओर मिला देना है लाइन को। अब बॉटम की ओर हमको 1 इंच बढ़ाना है, वो सिलाई में उतना जाएगा, और इसको गोलाकार थोड़ा सा राउंड शेप देना है, और इस लाइन को भी तिरछा मिला देना है। अब ये हिप स्केल से इसको बॉटम को मिला लेना है। अब इसका कटिंग कर लेना है। अब ये क्रॉस स्टिच कर लेना है, दोनों आगे वाला और पीछे वाला दोनों क्रॉच को स्टिच कर लेना है, डबल स्टिच लगा देना है। अब देखिए, ये दोनों पल्ले को उठाकर राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से मिलाना है, और इस पे स्टिच लगाना है। पर स्टिच लगाने के पहले हमेशा की तरह पिनअप कर लें, तो उससे इधर उधर हिलेगा नहीं और बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ ये बैठेगा। तो इसको पिनअप कर लीजिए। अब देखिए, अब उसमें से कपड़ा बचा हुआ था तो उसको क्रॉस में 1-1 इंच चौड़ा पट्टी काट लेना है। ये बॉटम का डिज़ाइन बनाने के लिए इसको काटना है, इस तरह से पट्टी काटने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके एक स्टिच लगा देना है। यहाँ से इसका हम डोरी बना रहे हैं। अब ये धागा लगा लेना है सुई के अंदर थोड़ा मोटा, और इसको यूँ डालते हुए पलट लेना है। देखिए, ये डोरी बन जाएगा। इस तरह से डोरी बना लेना, इसको 3-3 इंच लंबा काट लेना है डोरी। अब देखिए, अभी जो क्रॉच सिले थे, ये दोनों पैर इसको ऐसे सीधा साइड रखना है, और उसके बाद ये डोरी को इस तरह से रखते हुए स्टिच लगा देना है एक। पूरे पे डोरी रखते हुए देखिए इस तरह से स्टिच लगा देना है दोनों पैर पे लगा देना। अब देखिए, अब एक पट्टी लेना है, 3 इंच चौड़ा है, और लंबाई तो जितना वो पैर का मोहरी है उतना ही लंबा लेना है। ये देखिए, इस पर इसको रख कर और एक स्टिच लगा देना है, दोनों पैर पर इसी तरह कर देना है। ये देखिए, स्टिच लग जाने के बाद ऐसे हो जाएगा। तो इसको फिर से पलट कर एक सिलाई, देखिए इस साइड से बिठाते हुए एक सिलाई लगा देना है इस पे पूरा पे, इस तरह से हो जाएगा।
अब इसको पीछे की तरफ टर्न करना है और उसको स्टिच कर देना है। इसको मोड़ते हुए, फोल्ड करते हुए थोड़ा इसको आप स्टिच लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग से ये अंदर की ओर हो गया है। अब इस पे पूरे पे सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ से लेते हुए यहाँ तक पूरे पे स्टिच लगा देना है। ये पूरा पे स्टिच लग गया। अब इसके बाद अब इसका बेल्ट का हमको जिसमें इलास्टिक डालना है वो बेल्ट हमें लगाना है। तो बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंच चौड़ा पट्टी लेंगे। ये 4 इंच चौड़ा पट्टी लेंगे और इसको पूरे पे स्टिच कर देंगे। देखिए ऐसे एक तरफ पहले पूरा पे स्टिच कर देना है, उसके बाद फिर देखिए इस तरह से स्टिच हो गया। अब ये 1/4 इंच मुड़ते हुए इस पर पूरा पे स्टिच लगा देना है। पर फिर स्टिच लगाने के पहले थोड़ा पिनअप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वो लगाने में। और ये पूरे पे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा भाग खुला छोड़ेंगे जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ये पूरा पे लगा दिए, हल्का प्लेट भी लेना पड़े थोड़ा सा ले सकते हैं। पीछे में थोड़ा सा होता है वो पार्ट ऊपर रहता है तो उसमें थोड़ा प्लीट हल्का, और देखिए इतना सा खुला है वहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक देखिए ये है, ये 1 इंच चौड़ा है इलास्टिक, और लंबाई में तो हम थोड़ा लूज लेते हैं इसलिए 36 लिए हुए हैं। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अब इसमें पिन के हेल्प से इसको इंसर्ट कर देना है इलास्टिक को, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। देखिए इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमको स्टिच लगा देना है, इसको मजबूती से थोड़ा स्टिच लगाना है। ये देखिए स्टिच लग गया। अब इसको अंदर की ओर करते हुए और बाकी जो खुला पार्ट है उसको भी स्टिच कर देना है। ये देखिए थोड़ा सा खुला था, इसको स्टिच कर देना है। तो इस तरह से देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग के साथ हो गया है। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है, पहनने में बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।